नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको फैक्ट्री के बारे में कुछ खास बात बताना चाहूँगा। आप अपनी नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं या आपकी फैक्ट्री पहले से लगी हुई है, आपकी फैक्ट्री छोटे साइज़ की है या आपने बड़ा प्लांट लगाया हुआ है, तो उसमें मैं आपको कुछ ऐसी खास बातें बताऊँगा जिससे कि आपकी फैक्ट्री बहुत ही बढ़िया चलेगी। क्योंकि जब मैं साइट विजिट पर जाता हूँ और फैक्ट्रियों की विजिट करता हूँ, तो मेरे को जो देखने में मिलता है, जहाँ पर फैक्ट्री में ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं उसके कारण उनकी फैक्ट्रियाँ अच्छी नहीं चलती, वही बातें आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आपकी फैक्ट्री नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है या साउथ फेसिंग है, या आपकी फैक्ट्री कॉर्नर की है या आपकी फैक्ट्री डायगोनल है, चाहे आपकी फैक्ट्री किसी भी दिशा की है, आपको सिर्फ जो बात आज मैं बता रहा हूँ उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा और अपनी फैक्ट्री को चेक कीजिएगा। आपकी फैक्ट्री के उस दिशा में क्या रखा हुआ है या उस दिशा में आप क्या बना रहे हैं, वहाँ पर आपने मशीन रखी हुई है या आपने वहाँ पर खाली स्थान रखा है, या आपने वहाँ पर रॉ मटेरियल रखा है, या आपने तैयार माल रखा है, या आपने वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम बना रखे हैं, आप नोटिस कीजिएगा कहाँ किस दिशा में क्या वास्तु दोष है जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे। मैं जो आज आपको बात बताने जा रहा हूँ वो सारी बातें आपको पॉजिटिव बताने जा रहा हूँ कि आप ये पॉइंट आप उस दिशा में कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाएंगे। आप अपनी नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं या आपकी फैक्ट्री लगी हुई है और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने नॉर्थ यानी उत्तर दिशा और नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण, यहां पर इस जोन को आपने हमेशा ही नीट एंड क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है। यहाँ पर कोई भी भारी वजन का काम नहीं करना है और ना ही यहाँ पर कोई भारी मशीन रखनी है या आपने यहाँ पर स्टोरेज करनी है। यह दिशा बिल्कुल हमेशा ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। यहाँ पर खिड़की है, दरवाजे हैं, शटर है, तो उनको हर रोज रूटीन में जरूर खोलें। ऐसा करने से मेरा अपना मानना है कि आपकी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलने लगेगी। आप अपनी फैक्ट्री के नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में पानी से संबंधित जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। गर्मी का और वजन का काम नहीं होना चाहिए, कहाँ पर? नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट जोन में। दूसरा पॉइंट, आपने अपनी फैक्ट्री के साउथ ईस्ट जोन में यानी अग्नि के स्थान पर, क्योंकि साउथ ईस्ट जोन अग्नि का स्थान है और यहाँ पर हम अग्नि की एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, तो ये मान के चलिएगा कि आपकी फैक्ट्री बहुत ही बढ़िया चलेगी। अब अग्नि से संबंधित आप काम क्या कर सकते हैं? साउथ ईस्ट जोन में आप भट्ठे लगा सकते हैं, यहाँ पर पैनल रूम बना सकते हैं। साउथ ईस्ट जोन में आप ट्रांसफार्मर रख सकते हैं, जनरेटर लगा सकते हैं। आपके यहाँ वेल्डिंग से रिलेटेड काम होता है, वेल्डिंग का काम होता है, तो साउथ ईस्ट जोन में वेल्डिंग का काम भी कर सकते हैं। आपके यहाँ मोल्डिंग मशीन लगी हुई है तो साउथ ईस्ट जोन में आप अपने यहाँ मोल्डिंग मशीन भी लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट जोन में यहाँ पर इस जोन में साउथ ईस्ट से साउथ तक इस जोन में जितना भी गर्मी का काम करेंगे आपकी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलेगी। साउथ ईस्ट जोन में जब भी गर्मी आ जाती है तो यह दिशा एक्टिवेट हो जाती है, यहाँ की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है और वो एनर्जी पॉजिटिव होती है। जब पॉजिटिव एनर्जी फैक्ट्री के अंदर बढ़ती है तो वो हमेशा फ़ायदा देती है। किस चीज़ में फ़ायदा देती है? पैसे में। तो साउथ ईस्ट जोन को एक्टिवेट जरूर करें। एक्टिवेट तब होगी जब यहाँ पर हम गर्मी का काम करेंगे, गर्मी का काम जैसे मैंने आपको बताया है। अब ऐसे ही आपने तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, जो आपकी फैक्ट्री का साउथ वेस्ट जोन है, साउथ से साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट से वेस्ट जोन, यानी ये जो भाग बनता है इस भाग के अंदर आप क्या बना सकते हैं जिससे कि यहाँ की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाए,
बढ़ जाए, आपकी फैक्ट्री के अंदर पैसे के साथ साथ आपकी फैक्ट्री का नाम भी आगे बढ़े, तो उसके लिए साउथ वेस्ट जोन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। साउथ वेस्ट जोन किस प्रकार से एक्टिवेट होगी? यहाँ पर आप भारी मशीनें लगा सकते हैं, रॉ मटेरियल रख सकते हैं और साउथ वेस्ट जोन का फ्लोर लेवल ऊंचा कर सकते हैं। ऐसा करने से साउथ वेस्ट जोन एक्टिवेट हो जाएगी। चौथा काम आपने क्या करना है, जो आपके नॉर्थ वेस्ट जोन है, वाइव कौन है, यह सेल परचेज का एरिया है, यहाँ पर तैयार माल रखते हैं तो आपका माल बहुत जल्दी करके सेल हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट जोन हमेशा ही साफ सुथरी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए और यहाँ पर तैयार माल रखते हैं तो वो माल जल्दी करके सेल हो जाता है। तो आज मैंने आपको आपकी फैक्ट्री के बारे में स्पेशल बहुत सारी बातें बताई है। आप इस प्रकार से अपनी फैक्ट्री का सेटअप कर लेते हैं तो आपकी फैक्ट्री हमेशा ही आपको प्रॉफिट देगी और जब आप एक साल बाद देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरी फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा बदलाव आया है, मेरी फैक्ट्री ने बहुत ग्रोथ की है। आप मेरी वास्तु से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 500 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। और आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या साइट विजिट कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।